91.2 NIVH हेलोदून के सभी श्रोताओं को मेरा यानी विनीता थापा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आज की इस परिस्थिति में आप अपने और सभी के स्वास्थ्य का उचित ध्यान रख रहे होंगे। हम सब एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए हुए हैं, पर इससे हमारे प्यार और आपसी भाईचारे में बिल्कुल कमी नहीं आई है। दोस्तों हम सब दूर हैं तो क्या हुआ, याद रखिए दिलों की दूरियां बिल्कुल नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, विश्व आज COVID-19 जैसी भयंकर महामारी से जूझ रहा है। कोरोना एक वायरस जनित रोग है जिसके संक्रमण के विकराल प्रभाव हम हर रोज समाचारों में देख सुन रहे हैं। दोस्तों भारत की बात करें तो सरकार की सचेतता, प्रशासन की सजगता और नागरिकों के अनुशासनात्मक पालन की वजह से स्थिति फिर भी संभली हुई है, पर इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि हम जरा सी भी लापरवाही इस वक्त वहन नहीं कर सकते। आप इसे इस तरह समझ लीजिए कि ये एक जंगल में लगी आग की तरह है, इसे बुझाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है और यहाँ की गई एक छोटी सी चूक हमको झुलसा सकती है। भारत सरकार इस महामारी से निपटने के लिए कई सारे उपाय अपना रही है। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन से संबंधित कई सारे गाइडलाइंस दिए गए हैं। इन्हीं उपायों में से एक है आरोग्य सेतु ऐप, जिसकी जानकारी आज इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आप सबके साथ साझा करने जा रही हूं। आरोग्य सेतु ऐप लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण के खतरों से आगाह करने में मदद करता है। आप अपने स्मार्टफोन के प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप एकदम फ्री है और एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए है। आरोग्य सेतु ऐप 13 दिनों में 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का फास्टेस्ट ऐप ही बन गया है। दोस्तों अगर आपके फोन में ये ऐप एक्टिवेटेड है तो आपको अलर्ट मिल जाएगा कि कहीं आप कोरोना संक्रमित व्यक्ति के आसपास तो नहीं है, और साथ ही आप कोरोना वायरस से कितने सुरक्षित है ये भी दर्शाएगा। आरोग्य सेतु ऐप में संक्रमण को दिखाने के लिए कई तरह के रंगों के कोड का उपयोग किया गया है। ये आपके कोरोना वायरस से खतरे के स्टेज को बताता है। अगर हरा रंग आएगा तो आप सुरक्षित हैं। पीले रंग का मतलब आप हल्के इन्फेक्टेड हो गए हैं, अपने आप को घर पर ही क्वारंटीन कर लें। और लाल रंग का मतलब आप पूरी तरह कोरोना वायरस की चपेट में हैं और किसी सरकारी अस्पताल की सहायता लें। टोल फ्री नंबर 1075 पर कॉन्टैक्ट करके सहायता मांग सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप हिंदी, अंग्रेजी, मराठी समेत 11 भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें कोरोना वायरस के रोकथाम के तरीके बताए गए हैं। दोस्तों केंद्र सरकार की पहल पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लॉन्च किए गए इस ऐप में सबसे पहले यूजर को सेल्फ असेसमेंट यानी खुद का मूल्यांकन करना होता है। ऐप में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, जिसके बाद उसी नंबर पर तुरंत OTP आने पर आप इस ऐप का इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ श्रोताओं मैं इस बात पर विशेष बल देना चाहूंगी कि आरोग्य सेतु ऐप से आप तभी लाभान्वित होंगे जब आपके द्वारा स्व मूल्यांकन में पूछे गए प्रश्नों का सच्चा एवं सटीक उत्तर दिया जाएगा, यानी आप अपनी स्थिति की सही सही जानकारी देंगे, तभी आप अपनी और सबके लिए हितकारी साबित होंगे। सेल्फ असेसमेंट करते वक्त आपसे आपका लिंग, उम्र, विदेश यात्रा का इतिहास और सर्दी खांसी जुकाम जैसी चीजों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके दिए गए वैकल्पिक उत्तरों में से एक को आपको अपनी स्थिति के अनुसार सही सही सेलेक्ट करना होता है। ये ऐप आपसे आपकी दूसरे बीमारी की हिस्ट्री के बारे में भी पूछता है, मसलन मधुमेह या हाई ब्लड प्रेशर वगैरह। आरोग्य सेतु ऐप में COVID-19 से जुड़े सभी ताजा अपडेट्स भी आते रहते हैं। ये ऐप ब्लूटूथ तकनीक और GPS के जरिए आपकी करंट लोकेशन का इस्तेमाल करने के बाद ट्रैक कर सकता है कि कहीं आप संक्रमित मरीज या कोरोना संक्रमण के शक वाले मरीज के निकट तो नहीं है। और विस्तृत तरीके से इसे समझाऊं तो जब आप अपनी स्वमूल्यांकन जानकारी देते हैं और ऐप द्वारा नॉर्मल घोषित किए जाते हैं तो ग्रीन जोन में आ जाते हैं,
अब जब भी आप किसी सार्वजनिक स्थल पर जाएंगे, ये ऐप ब्लूटूथ से आसपास के मोबाइल से संदेश लेता देता रहता है। आप ग्रीन जोन के नॉर्मल व्यक्ति हैं और आपके पास खड़ा व्यक्ति ग्रीन जोन का ही है, पर अगर आज से 10 दिन बाद किसी कारणवश वो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, तो आरोग्य सेतु ऐप आपको अलर्ट कर देगा और आपका ग्रीन कलर बदल कर ऑरेंज या पीला हो जाएगा। साथ ही डिटेल भी देगा कि कहां कौन सा व्यक्ति संक्रमित था। तब आप तुरंत अपनी जांच करवाएं, क्योंकि आप अब डेंजर जोन में होंगे। साथ ही अगर आपके गंतव्य के रास्ते में या आपके निकट कोई ऑरेंज जोन वाला व्यक्ति है, यानी कि संक्रमण की आशंका वाला व्यक्ति है, तो ऐप आपको अलर्ट करेगा कि या तो आप अपना रास्ता बदल दें या फिर उचित सावधानी बरत लें। सभी की लोकेशन ऑन रहने से उनके मूवमेंट भी पता चलेगी और कोरोना से लड़ना आसान होगा। श्रोताओं, मैं 91.2 NIVH हेलोदून के माध्यम से आपसे हार्दिक निवेदन करती हूँ कि इस ऐप को आप सब इंस्टॉल करें और सभी तक इसकी उपयोगिता की जानकारी पहुँचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल कर सकें। इस ऐप की भूमिका COVID-19 से लड़ने में कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के सम्मुख अपने संबोधन में इस ऐप को इंस्टॉल करने की अपील कई बार कर चुके हैं। ये एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करके हम अपनी सही सही जानकारी साझा करें। साथ ही दोस्तों, अगर आप जरूरत के समय में वॉलंटियर या स्वयं सेवक बनना चाहते हैं, तो आप इस ऐप में ये जानकारी भी दर्ज कर सकते हैं। भारत सरकार इस ऐप के जरिए कोरोना संक्रमित लोगों और होम क्वारंटीन पर रखे गए लोगों पर नजर रख रही है। साथ ही आश्वासन भी देती है कि इस ऐप को यूजर्स की निजता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। श्रोताओं, आरोग्य सेतु ऐप संक्रमण अलर्ट के अलावा आपको संक्रमण से बचाव के उपाय भी बतलाता है, जैसे हाथ बार बार धोएं और 20 सेकंड तक साबुन लगा रहने दें, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, खांसते छींकते वक्त रुमाल या टिश्यू से मुंह ढकें, प्रयोग के तुरंत बाद टिश्यू को किसी बंद डिब्बे में डिस्पोज करें, बुखार खांसी जुकाम या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, और नाक मुंह ढकने के लिए मास्क का प्रयोग करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं। अगर आप में कोरोना के लक्षण हैं, तो कृपया राज्य हेल्पलाइन नंबर या स्वास्थ्य मंत्रालय की 24/7 हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046, 011-239-78046 पर संपर्क करें। श्रोताओं, आरोग्य सेतु ऐप की उपयोगिता से हम सभी तभी लाभान्वित होंगे जब हर कोई इस ऐप का प्रयोग करे। हमें अपने और सबकी इस घातक बीमारी से रक्षा करनी है। ये सामूहिक प्रयास द्वारा ही संभव है। दोस्तों, हमारी सरकार, प्रशासन, डॉक्टर, पुलिस, सफाई कर्मचारी सभी अथक प्रयास कर रहे हैं, अपनी जान हथेली पर रखकर हमारी सेवा कर रहे हैं। तो हमारा हर एक नागरिक का ये फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि सभी गाइडलाइंस कानून फॉलो करें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करती हूँ। कार्यक्रम के अंत में आशा करती हूँ कि हम सब इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होंगे और आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल कर अपने अपने हिस्से का कर्तव्य पालन करेंगे। अभी के लिए अपनी होस्ट दोस्त विनीता थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।